हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। मैं हूं पंकज मौर्य और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से घर में बगीचा चैनल में। किसान भाइयों, आज हम लेकर आए एक नया वीडियो। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि ट्राइकोडर्मा क्या है, इसका कार्य क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता है, कितना प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊँगा कि कैसे इसका प्रयोग करना है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के साइन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, पहले जान लेते हैं कि ट्राइकोडर्मा है क्या। तो भाइयों, ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंदी है जो विभिन्न प्रकार की दालें, तिलहनी फसलों, कपास, सब्जियों, तरबूज और फूलों आदि की फसलों में पाए जाने वाले मिट्टी जनित जो रोग होते हैं, जैसे उकठा, जड़ गलन, कालर राट, आद्यप्रतन और सड़न जैसे रोगों या विकारों को नियंत्रण करता है। ये उसको बहुत अच्छे से नियंत्रित कर लेता है। तो ये रोग जो होते हैं मिट्टी में पाए जाने वाले फफूंद, जैसे फ्यूजेरियम, पिथियम, राइजोक्टिनिया, फाइटोप्थोरा आदि फंगस के कारण हो जाते हैं, जो बीजों के अंकुरण को प्रभावित करते हैं और बीज के जमाव के बाद विकास की अवस्था, जब पौधा बढ़वार करता है, बढ़वार से फल फूल आते हैं, उस अवस्था को भी प्रभावित करते हैं और बहुत तरह के रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो पहली बात यह कि फंगस वाले रोगों को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक दवा आर्थिक रूप से प्रभावी नहीं होती है, क्योंकि फफूंद जनित रोगों के लिए जो रासायनिक दवा प्रयोग की जाती है उनका असर 10-15 दिनों तक ही रहता है और अगर फसल में फिर से यह रोग लग जाता है तो आपको फिर से दवा डालनी पड़ती है। दूसरी बात, लगातार रासायनिक दवा डालने से मिट्टी में रहने वाले लाभदायक जो जीवाणु होते हैं उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ बार बार रासायनिक दवा डालने से फफूंद जो खेत में होती है, जो फसल के विरोधी फफूंद होती है, जो नुकसानदायक होती है, उसकी जो है सहनशीलता बढ़ जाती है, जिससे आपको हर साल दवा का डोज जो है बढ़ाकर डालना पड़ सकता है क्योंकि वो दवा फिर उनके पर उतनी प्रभावी नहीं रहती है। तो किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा एक जैविक मित्र फफूंदी है जो फसलों के लिए नुकसानदायक फफूंद को ख़त्म करती है और पौधों की नर्सरी अवस्था से लेकर अंत तक, जब पौधा जो है फल फूल बन के और पक जाता है तब तक जो है अंत तक पौधों की रक्षा करता है। वैसे तो ट्राइकोडर्मा की 6 प्रजातियाँ खोजी जा चुकी हैं, लेकिन मुख्यतः 2 प्रजातियाँ बहुतायत से प्रयोग में लाई जा रही हैं। पहली है ट्राइकोडर्मा विरिडी और दूसरी है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रोगों की जिनका ट्राइकोडर्मा से जैविक नियंत्रण आसानी से बहुत ही कम खर्च में किया जा सकता है और इसके लिए सरकार 50 से 75% तक अनुदान भी देती है। तो पहला रोग है दलहनी व तिलहनी फसलों में उकठा रोग, दूसरा है अदरक की फसल में प्रकंद विगलन रोग, तीसरा है कपास का उकठा, आद्यप्रतन, सूखा और जड़ विगलन रोग, इसमें जड़ गलने लगती है, चौथा है चुकंदर का आद्यप्रतन और पांचवा है मूंगफली का कालर राट रोग और छठा है सब्जियों की फसलों में आद्यप्रतन, उकठा, कालर राट और जड़ विगलन रोग और फूलों की फसल में कार्म सड़न रोग या बहुत ही कॉमन पाया जाता है, इसमें भी बहुत अच्छे से नियंत्रण करता है ये बीमारियों को। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं ट्राइकोडर्मा के प्रयोग की। तो भाइयों, ट्राइकोडर्मा का आप 2 तरह से उपयोग कर सकते हैं। पहला, बीज उपचार कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा से और दूसरा, ट्राइकोडर्मा से मिट्टी का उपचार कर सकते हैं। तो बीज का उपचार करने के लिए 4 से 5 ग्राम जो ट्राइकोडर्मा का पाउडर होता है उसको आप लीजिए प्रति किलो बीज के हिसाब से और उसको उपचारित कर दीजिए। बीज उपचार करने के लिए बीज को पानी में भिगोने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यह बीज पर आसानी से चिपक जाता है और बीज के अंकुरण के साथ साथ ट्राइकोडर्मा भी अपना विकास जड़ों के साथ चारों ओर बराबर करता रहता है, जिससे हानिकारक फफूंद पौधे की जड़ का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं क्योंकि एक लक्ष्मण रेखा सी बन जाती है वहाँ पर। जितनी भी दूर तक वो फंगस फैल जाता है ये ट्राइकोडर्मा, वहाँ तक जो दुश्मन फंगस होता है वो वहाँ तक नहीं आ सकता है। तो अब बात करते हैं कि मिट्टी के उपचार की। तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे करते हैं इसे। तो किसान भाइयों, ये देखिए, ये है डिब्बा, ये संजीवनी नाम से आता है हमारे यहाँ, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और ये 1 किलोग्राम का डिब्बा है। इसको 25 किलोग्राम गोबर की अच्छी सड़ी हुई जो खाद होती है या वर्मी कंपोस्ट आप लीजिए, उसमें मिलाकर इस तरीके से जो हमने मिला लिया है, देखिए नीचे ये बोरे से ढका हुआ है, इस तरीके से आपको छाया में जूट के बोरे से ढक देना है और ये देखिए, ये जो है इस पर ट्राइकोडर्मा विरिडी 1.0% WP लिखा होता है और देखिए इस पर पूरा प्रिकॉशंस दिए हुए हैं कैसे इसको यूज करना है। तो बात कर लेते हैं इसके यूज़ की, कैसे करते हैं। तो इसको क्या करना है, जब आप बोरे से ढक देंगे 25 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो सड़ी हुई अच्छी है उसको अगर ढक देंगे,
अभी हम आपको खोल के दिखाएंगे इसको। तो 25 किलोग्राम जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद है उसको ढक दीजिए बोरे से और 24 घंटे में एक बार हल्का पानी का स्प्रे ऊपर से कर देना है, जिससे अंदर जो है नमी अच्छी तरह बनी रहे और 6-7 दिन तक यह फफूंद पूरी तरीके से विकसित हो जाता है उस 25 किलोग्राम जो खाद आप रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से जब आप रख देंगे तो 6-7 दिन में ये फंगस जो है इसमें पूरे में फैल जाएगा। अभी इसको 3-4 दिन हुआ है तो ये फंगस में फैलने लगेगा और फिर हल्का हल्का सफ़ेद सफ़ेद इन्हें दिखने लगेगा। तो जब आप देख सकते हैं, देखकर पता लगा सकते हैं कि ये फंगस पूरी तरह डेवलप हो चुका है। फिर इसे आप अपने खेत में बिखेर दीजिए। इस 25 किलोग्राम खाद को जो है आप 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं और बुआई से पहले जुताई आखिरी जुताई के समय आप मिला सकते हैं। और अगर आपको और कम खर्च करना है, आपका खेत ज़्यादा है, तो आपने जो ये 25 किलो इस तरीके से आप बनाएंगे खाद, इसको आप 7 दिन के बाद जब ये तैयार हो जाएगी 25 किलो, तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। इसको जो है फिर से 1 हफ्ते के लिए ढककर छांव में रख दीजिए जितनी आप मिलाएंगे। रखने के बाद आप इसको 25 गुना तक बढ़ा सकते हैं, यानी 25 किलो से फिर से आप 25 गुना और इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर अगले 1 हफ्ते आपको फिर से पानी देना पड़ेगा और छाया में इस तरह रखना पड़ेगा जहाँ हल्की रोशनी आती हो और जो है हवा का आवागमन अच्छा होता हो। तो अगर किसी बड़े पेड़ में लग जाता है, कोई फफूंद लग जा रहा है या उसमें रोग लग रहा है और केमिकल से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इस ट्राइकोडर्मा पाउडर को आप 100 से 150 ग्राम पाउडर ले लीजिए और इस 100 से 150 ग्राम पाउडर को आप पेड़ के चारों तरफ 15 सेंटीमीटर यानी 1 बित्ता गहरा आप गड्ढा खोद दीजिए, उसकी मिट्टी निकाल लीजिए और ये गोला जो गोलाकार में आपको रिंग बनाना है, लगभग 2 फीट छोड़ते हुए आपको बड़ा पेड़ है उसके 2 फीट किनारा छोड़ दीजिए और एक गोला बना लीजिए। उसमें जो है 15 सेंटीमीटर आप मिट्टी निकाल दीजिए, जड़ें ज़्यादा ना कटने पाएँ, ध्यान रखिए 15 सेंटीमीटर वैसे उतनी जड़ें होती नहीं है। तो उसमें आप इस पाउडर को डाल दीजिए, आप चाहें तो गोबर की खाद में मिक्स करके, जैसे ये तरीका बना ये वाला है, ये मेथड से आप बना के कर सकते हैं, और उसमें उसके बाद ऊपर से पानी डाल दीजिए तो इससे रोग दूर हो जाते हैं। तो जब आप खेत तैयार करते हैं, जैसे अगर ये देखिए आखिरी जुताई हो चुकी है खेत में, तो कोई भी फसल आप लगाने जा रहे हैं इस तरीके से, तो आप जुताई जब करते हैं लास्ट में, उसी में आप जो 25 किलोग्राम आप खाद बनाएंगे 1 किलोग्राम पाउडर से, उसको पूरे खेत में अच्छे से फेंक दीजिए, टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए और उसके बाद आप खेत में बुआई कर दीजिए। तो जब आप बीज बोएंगे, बीज के साथ साथ जो फंगस आपने खाद के द्वारा दिया है वो भी अपनी जड़ें फैलाएगा, वो भी फैलेगा पूरे खेत में, और फैलते फैलते फिर वो जब पौधा जो है बड़ा होगा उसके साथ साथ उसकी भी जड़ें गहराई चली जाती हैं और जहाँ तक उसकी जड़ें जाती हैं वहाँ तक जो है फंगस, दूसरे जो हानिकारक फंगस होते हैं वो वहाँ तक अटैक नहीं कर पाते हैं। तो इससे फसल का बहुत अच्छे से बचाव हो जाता है, बहुत ही कम खर्च में बचाव हो जाता है। अगर आपको आप किसी अपने ब्लॉक स्तर पर जो एग्रीकल्चर का ऑफिस होता है, कृषि विभाग का जो ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, वहाँ से अगर आप लेते हैं तो आपको 50 से 75% तक सब्सिडी मिल जाती है। तो आप मान लीजिए अगर 200 रुपये किसी कीमत 1 किलो की है तो आपको 100 रुपये वापस आपको खाते में मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको आधार कार्ड और अपने जो खेत की खतौनी है वो ले जानी पड़ती है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे अपने किसान भाइयों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद किसान भाइयों।